Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So, आज हमारा discussion का topic है, हम लोग global और local variables देखने वाले हैं कि ये global और local variables क्या होते हैं और इनको हम लोग अपने programs में कैसे use करते हैं. So, मैं यहाँ पे अपने PyCharm के IDE पर हूँ. मैं already यहाँ पे global variables नाम का एक folder बना चुकी हूँ, एक file बना चुकी हूँ. मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया def function name का और उसमें मैंने यहाँ पे अंदर एक l की वैल्यू दी, दैट इज l इज इक्वल टू 5 और मैं यहाँ पे l को प्रिंट कर दूंगी. ये तो हमारे सिंपल सा एक फंक्शन हो गया और मैं यहाँ पे अभी l को प्रिंट कर यहाँ पे प्रिंट करा और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे बाहर फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट दिस इज मी. ये तो हमारे एक बेसिक फंक्शन का यूज हो गया कि हम लोग जैसे अपना फंक्शन बना के और उसको कॉल करते थे, उसको डिक्लेयर करते थे, ये सब तो वो चीजें हो गई. मैं इसको रन कर लेती हूँ एक बार. सो यहाँ पे हमको हमारा 5 मिल गया. अब हमारा जो नेक्स्ट हम लोग को देखना क्या है आज यहाँ पे कि हम लोग ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का कैसे यूज करते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले मैंने ऊपर किया क्या है, अपने फंक्शन के बाहर सबसे पहले मैं अपने फंक्शन के अंदर एक l इज इक्वल टू 5 नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया. अब l को जो मैंने 5 वैल्यू दी है ये हमारा होता है एक लोकल वेरिएबल. अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल का ये मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स जिनको हम लोग अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, अपने फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, वो होते हैं लोकल वेरिएबल्स. और जिन जिन वेरिएबल्स को हम लोग अपने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं कहीं पे, वो होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, ग्लोबल वेरिएबल्स मींस एनी नंबर ऑफ फंक्शंस कैन यूज दिस वेरिएबल इनसाइड द प्रोग्राम. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आप उसको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो उस वेरिएबल को. और लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे आती है स्कोप की बात. सो जो हमारा लोकल स्कोप होता है, हमारा जो फंक्शन होता है वो पहले हमारे लोकल वेरिएबल को देखता है. सो लोकल स्कोप पहले यूज होता है, आफ्टर दैट हमारा जो ग्लोबल स्कोप है वो यूज होता है. हम लोग इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं. एक मैंने यहाँ पे def फंक्शन एल यहाँ पे लिख रखा है, एल इज इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को दे रखा है और हमने एल को प्रिंट करा. अब मैंने यहीं पे अंदर एक एम दिया, एम इज इक्वल टू 8 और मैं एम को यहाँ पे प्रिंट एल और एम करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. फाइन, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं सो मुझको यहाँ पे 5 और 8 मिला. ये देखिए 5 और 8. तो हमने फंक्शन के अंदर 5 और 8 लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करे तो हम लोग को 5 और 8 मिल गया. अब मैं बाहर जो हमारा l इज इक्वल टू 10 है उसको मैंने डिक्लेयर किया और मैं वापस इस फंक्शन को रन करती हूँ तो भी हमको यहाँ पे आउटपुट 5 और 8 मिला. क्यों? क्योंकि l की जो वैल्यू है वो हमने फंक्शन के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है. वो हमारा अंदर फंक्शन के एक लोकल वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है l वेरिएबल l नाम का. सो वो बाहर के जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको देखेगा ही नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्कोप है वो लोकल स्कोप पहले यूज होता है फंक्शन में, आफ्टर दैट ग्लोबल स्कोप यूज होता है. अब अगर अंदर हम लोग जो एल है उसको कमेंट कर देते हैं, एक बार मैं एल को कमेंट कर देती हूँ, प्रिंट एल को भी कमेंट कर देती हूँ. अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पे एज अ आउटपुट 10 और 8 मिला है क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर हमने कोई भी l नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है. तो हमारे फंक्शन के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है तो हमारे फंक्शन के बाहर गया, उसने देखा कि क्या बाहर कोई l नाम का वेरिएबल है तो हमने बाहर एक लोकल ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है l इज इक्वल टू 10. सो उसने वहां से l इज इक्वल टू 10 लिया और फंक्शन के अंदर हम लोगों ने m इज इक्वल टू 8 डिक्लेयर कर रखा था तो m का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया और l का वैल्यू 10 आ गया. सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. अब मैं यहाँ पे मैंने अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कर दूं l इज इक्वल टू l प्लस 50 तो अब ये यहाँ पे हम लोग को एरर दे देगा कि जो हमारा l है वो लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे कोई हमने लोकल वेरिएबल लिख नहीं रखा है. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमको मिली अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल l रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट. अब अगर मैं यहाँ पे जो l है
एल की वैल्यू ऐसे ग्लोबल कर दूं, ग्लोबल एल कर दूं और एल इज इक्वल टू एल प्लस 50 कर दूं। अब हम लोग रन करें तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो बाहर एल की वैल्यू थी वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई। एल की वैल्यू बाहर हमने 10 दे रखी थी, अंदर हमने आया एल तो एल इज इक्वल टू एल प्लस 50। सो 10 प्लस 50 हमको यहाँ पे आउटपुट एज अ 60 मिला। क्यों? क्योंकि हमने अंदर एक एल वेरिएबल को ग्लोबल कर दिया है, इस वजह से हमारी जो बाहर की एल वैल्यू है वो अंदर के फंक्शन में आई और उसमें 10 इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे हम लोग को एज अ आउटपुट 60 मिला और m की वैल्यू जो है वो वही सेम रही। सो आई होप आपको ये l और m के एग्जांपल से जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स है उनका समझ में आया होगा कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो विद इन फंक्शंस होते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। और अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल नहीं डिक्लेयर है तो तभी आपका जो बाहर का जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल वो वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्कोप होता है लोकल वेरिएबल का वो लोकल स्कोप यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर आपके फंक्शन के अंदर भी कोई वेरिएबल सेम डिक्लेयर है और आपके फंक्शन के बाहर भी वही सेम वेरिएबल डिक्लेयर है तो जो आपका प्रोग्राम रन होगा वो जो फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल है सिर्फ उसकी वैल्यू लेगा, ना कि बाहर वाले की, बिकॉज लोकल स्कोप इज हायर दैन द ग्लोबल स्कोप। सो ये तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा लोकल और ग्लोबल का एक फंक्शन यहाँ पे बना के। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें कि मैं इसको एक बार यहाँ पे कट कर देती हूँ, जिसमें कि मैंने यहाँ पे नेस्टेड फंक्शंस बनाए हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड फंक्शंस बनाया है। पहला फंक्शन का नाम है dev1 और हम लोगों ने फंक्शन एक यहाँ पे बना रखा है। सेकेंड फंक्शन मैंने बनाया dev2। अब मैंने dev2 के अंदर ग्लोबल x कर दिया और मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पास कर दी और फिर dev2 फंक्शन के बाहर आकर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बिफोर कॉलिंग टू और एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। आफ्टर दैट मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखी प्रिंट आफ्टर कॉलिंग टू और फिर से मैंने एक्स लिखा और मैंने dev1 फंक्शन के बाहर आके 1 को यहाँ पे कॉल कर लिया। सो यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहला काम किया है, मैंने नेस्टेड फंक्शंस यूज करे हैं, मैंने dev1 यूज किया फर्स्ट फंक्शन और मैंने 1 के अंदर 2 फंक्शन यूज करा। 2 में मैंने जो एक्स की वैल्यू है उसको ग्लोबल कर दी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 88 इनिशियलाइज कर दी और मैंने यहाँ पे 1 और 2 फंक्शंस को कॉल करके प्रिंट किया। अब मैं अपना प्रोग्राम रन करती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट क्या मिला, बिफोर कॉलिंग टू 20 वैल्यू एक्स की मिली और आफ्टर कॉलिंग भी हमको एक्स की वैल्यू 20 मिली। सो यहाँ पे तो हम लोग ने एक्स की वैल्यूज 1 में 20 डिक्लेयर कर रखी थी, 2 में 88 और हमने उसको ग्लोबल भी कर रखा था, तो फिर हमको यहाँ पे सिर्फ दोनों वैल्यूज 20 20 क्यों मिली? यहाँ पे हमको जो आउटपुट है वो दोनों 20 20 इसलिए मिला है क्योंकि जहाँ हमने ग्लोबल एक्स किया था। सो ग्लोबल एक्स का मतलब है कि वो हमारे जो पूरा फंक्शन है उससे बिल्कुल बाहर चला जाएगा और यहाँ पे कहीं ढूंढेगा जाके कि आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या इनिशियलाइज करी हो। वहां पे तो हमने एक्स को इनिशियलाइज कर भी नहीं रखा है, ना ही वहां पे हमने एक्स को कोई ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है, इसलिए ये जो ग्लोबल एक्स है, ये जो एक्स है ये हमारे बिल्कुल फंक्शन के बाहर जाके एक्स की वैल्यू को ढूंढेगा, ना कि हमारा टू फंक्शन से जाके फर्स्ट फंक्शन में ढूंढेगा। सो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि उसको बाहर कोई वैल्यू नहीं मिली, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो हम लोग को एक्स इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे भी 20 मिला। अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 फंक्शन के बाहर आके मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स लिखती हूँ एक बार और अब मैं इस फंक्शन को रन करती हूँ तो हम लोग को जो बिफोर कॉलिंग 220 जो आउटपुट मिल रहा था वो तो सेम है और आफ्टर दैट हम लोग को अब यहाँ पे 88 मिल गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल है, वो फंक्शन के बिल्कुल बाहर जाके ढूंढेगा कि क्या वहां पे एक्स की कोई वैल्यू है, अगर है तो वो अंदर की जो एक्स की वैल्यू है उसको रिप्लेस करेगा, पर वहां पे कोई थी नहीं। और फिर मैंने अपने फंक्शन के बाहर आके जब यहाँ पे मैंने एक्स को प्रिंट करा तब वो हमको 88 दे रहा है क्योंकि वहां पे उसको एक्स मिला और एक्स के लिए कमांड मिला कि प्रिंट कर दो एक्स की वैल्यू, तो इसलिए इसने यहाँ पे 88 वैल्यू हमको प्रिंट करके दी। सो आई होप आपको ग्लोबल और लोकल स्कोप और वेरिएबल्स के बारे में समझ में आया होगा
और अगर नहीं आया है, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, तो इस वीडियो को फिर से वापस जाके देखें, क्योंकि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स और इनके स्कोप का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।